कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि वे किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव के बाद भी सीएम होंगे। दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ये कहा है कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से किया जाएगा। हरीश रावत ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव जीतने के लिए मिलकर काम करेंगे, बाकी कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अगला सीएम तय किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता डॉक्टर अविन शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर अविन शर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, भारतीय खाद्य निगम में सदस्य भी रहे। हाथरस के सादाबाद से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस समारोह लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद मुनकाद अली ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते केस को देखते हुए यात्री विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ उड़ने की इजाजत दे दी है। देश में बच्चों के वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई थी कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। मानव संसाधन एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव का पद संभाल चुके IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वे बैच 1985 के IAS अधिकारी हैं। अमित खरे उस समय भी चर्चा में आए थे जिस समय चारा घोटाला का पर्दाफाश किया गया था। उन्होंने चाईबासा उपायुक्त रहते हुए चारा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। फिर इस मामले में एक एक कई नेता व अधिकारी फंसते गए और उन्हें जेल पहुंचाया गया, जिसमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी नाम शामिल है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगी थी। यह आदेश 1967 और 1980 में जारी हुए थे। संघ को राजनीतिक संगठन मानने वाली तत्कालीन सरकारों ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 3 जवानों के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। पूंछ जिले में आतंकवाद निरोधी अभियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी JCO सहित 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी सामने आई। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ता सड़क पर गुजरने वाले हर ऑटो रिक्शा चालकों पर थप्पड़ और लाठी से हमला कर रहे थे। बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं को ठाणे जिले में सड़कों पर गश्त करते और ऑटो रिक्शा चालकों को रोकते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने कई ड्राइवर को थप्पड़ भी मार दिया, साथ ही कुछ लोगों के पास लाठियां भी थी जिससे वे वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालकों को मारते नजर आए। गुजरात के वडोदरा जिले के गांव में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय की 2 महिलाओं को गरबा नृत्य करने से कथित तौर पर रोक दिया गया, जिसके बाद 3 पुरुषों और 1 महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने ये जानकारी दी कि रविवार रात को हुई इस घटना की जानकारी मिलने पर गुजरात के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार ने जांच के आदेश दिए और वडोदरा जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को घटनास्थल पर दौरा करने को कहा। कथित घटना वडोदरा जिले में सावली पुलिस क्षेत्र के गांव की है, जहां एक अनुसूचित जाति की महिला और उसकी भतीजी को एक पंडाल में गरबा नृत्य करने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन की लड़ाई में समाजवादी संगम की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही है। चाचा और भतीजे के बीच अब तक सुलह नहीं हो पाई है और इसलिए दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के तय कार्यक्रम के मुताबिक अलग अलग रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां कानपुर से अपनी समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं।
कश्मीर में गैर मुसलमान दहशत में है, लेकिन आशा की किरण भी दिख रही है। कश्मीर के गैर मुस्लिमों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए जगह जगह मुस्लिम समाज आगे आ रहा है और प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है। मुस्लिम आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, आतंक के शिकार लोगों के परिजन का दुख बांटने उनके घर जा रहे हैं। श्रीनगर की दो प्रमुख मस्जिदों ने मुस्लिमों से आगे आने और गैर मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा करने की अपील की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो उपनगर के रिहायशी इलाके में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा जिस मकान पर विमान गिरा उसके आसपास के करीब 10 घरों में आग लग गई, वहीं एक ट्रक समेत कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। घटना के बाद रिहायशी इलाके में चीख पुकार मच गई, लोग घरों से निकलकर बाहर भागने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जल्द ही हालात पर उसने काबू पा लिया। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 100 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों नमाजी घायल हो गए। भारत ने इस आतंकी घटना की निंदा की है और मुसीबत की इस घड़ी में अपनी सांत्वना व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। करिश्माई भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल की संख्या के मामले में इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले की बराबरी कर ली है। अब उनका कहना है कि वह निकट भविष्य में देश के लिए खेलना और गोल करना जारी रखेंगे। 37 साल के छेत्री ने सेफ चैंपियनशिप में नेपाल के खिलाफ 83वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में निचली रैंकिंग की बहरीन को 5-0 से शिकस्त दी। प्यारी खाका ने 19वें और 68वें मिनट में दो गोल किए। उनके अलावा संगीता बासफोर ने 13वें, इंदुमती ने 34वें और मनीषा ने 69वें मिनट में अन्य गोल किए। बहरीन फीफा रैंकिंग में 85वें स्थान पर काबिज है जबकि भारतीय टीम की रैंकिंग 57 है।